बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 5000। सो हेटेकीज, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आपका बजट 5000 के आसपास है और आपको चाहिए इस बजट रेंज में कोई सा एक बेस्ट डे टू डे यूजेस के लिए स्मार्टफोन, या फिर अगर आपको कोई सा एक सेकेंडरी स्मार्टफोन चाहिए या किसी फैमिली मेंबर के लिए आप स्मार्टफोन परचेस करने वाले हैं, तो मैंने आज आपके लिए कुछ स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है जहाँ पे आपको प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी लाइफ और डिजाइन बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। डे टू डे यूजेस में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के देने वाले हैं। और अगर आप 5000 का बजट लेके चल रहे हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई सा एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। OLX या Flipkart के टू गुड से आप सेकंड हैंड स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हैंड स्मार्टफोन्स में ना आपको कम प्राइसिंग में अच्छी खासे वैल्यू फॉर मनी वाली स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है। पर फिर भी अगर आपको नया स्मार्टफोन ही परचेस करना है, तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किया है टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 5000, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है। वैसे बेस्ट और टेकबिज का सब्सक्राइब बटन भी, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 5 जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है iCal की तरफ से iCal Z1। इसमें आपको मिल जाती है 5.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले, 480p वाली डिस्प्ले, जो कि आपको इतना अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देने वाली नहीं है। फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, 3.5mm का ऑडियो जैक है, क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, एंड्रॉइड 8.1 पे आता है, 3000mAh की बैटरी है, 8MP का बैक में आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 5MP का फ्रंट में सेल्फी शूटर है। इस स्मार्टफोन में 1 साल की वारंटी मिल जाती है, डेडिकेटेड HD कार्ड स्लॉट है जहाँ पे आप 64GB तक मेमोरी एक्सपांड कर सकते हैं। 2 कलर वेरिएंट के साथ आता है, पहला तो है डार्क ब्लू, दूसरा है ब्लू। बात करें अगर प्राइसिंग है, तो 4+32GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 5499 रुपए में। अगर आपको 5000 की रेंज में कोई सा एक बेस्ट 4GB रैम के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप जा सकते हैं iCal के iCal Z1 के साथ। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है iTel की तरफ से A48। इसमें आपको मिल जाती है 6.1 इंचेस की HD प्लस वाली IPS डिस्प्ले, 720p वाली वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी है, बैक में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है, 0.9mm की थिकनेस है, 160g वेट है, यूनिसोक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 1GHz वाला क्वाड कोर प्रोसेसर है, 3000mAh की बैटरी है, डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 5MP का है, दूसरा कैमरा आपको VGA कैमरा देखने को मिल जाता है, फ्रंट में आपको 5MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में भी आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप 128GB तक मेमोरी को एक्सपांड कर सकते हैं। 3 कलर वेरिएंट के साथ आता है, ग्रेडियंट ब्लैक। और उसके बाद बात करें प्राइसिंग के, 2+32GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 6199 रुपए में। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है जियोनी की तरफ से जियोनी मैक्स। इसमें आपको देखने को मिल जाती है 6.1 इंचेस की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले, ये एक ड्यू ड्रॉप वाली डिस्प्ले है, 2.5D कर्व ग्लास भी है, फेस अनलॉक के साथ आता है, 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, 10.75mm की थिकनेस है, यानी कि स्मार्टफोन थोड़ा सा मोटा होने वाला है, थोड़ा सा बल्की होने वाला है, यूनिसोक के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है, 5000mAh की बैटरी है जो कि रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 13MP का है और दूसरा कैमरा आपको देखने को मिल जाता है डिजिटल कैमरा बोके के लिए, फ्रंट में आपको 5MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा, HDR मोड है, सुपर स्लो मोशन, टाइमलेस, बोके मोड, बहुत सारे ऐसे आपको कैमरा से रिलेटेड मोड देखने को मिल जाएंगे, डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है जहाँ पे आप 256GB तक अपनी मेमोरी को एक्सपांड कर सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 2+32GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 5999 रुपए में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है नोकिया की तरफ से नोकिया C01 प्लस। इसमें आपको मिल जाती है 5.45 इंचेस की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले, 18:9 वाली डिस्प्ले है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है, बैक में आपको कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, प्लास्टिक बैक के साथ आता है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है, 9.3mm की थिकनेस है, 157g वेट है। इस स्मार्टफोन में यूनिसोक का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 11 पे वर्क करता है, 3000mAh की बैटरी है, 5MP का सिंगल कैमरा सेटअप के साथ आता है, फ्रंट में भी आपको 2MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है और इस स्मार्टफोन में आपको 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है। बात कर लेते हैं अगर कलर ऑप्शन की, तो स्मार्टफोन आपको 2 कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, पहला है ब्लू और दूसरा है ग्रे। उसके बाद फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो 2+16GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 6199 रुपए में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर। इसमें आपको मिल जाती है 5.3 इंचेस की HD प्लस वाली TFT LCD डिस्प्ले, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है, 8.6mm की थिकनेस भी है, 150g वेट है, मीडियाटेक का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 पे आता है और ONUI पे वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा, सिंगल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 8MP का देखने को मिल जाता है और फ्रंट में 5MP का सेल्फी शूटर है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, 3 कलर वेरिएंट है, ब्लैक, ब्लू और रेड। बात करें अगर प्राइसिंग की, तो आपको देखने को मिल जाएगा 1+16GB रोम वाला वेरिएंट 5199 रुपए में और 2+32GB रोम वाला वेरिएंट मिल जाएगा 5000
9,999 में। इस स्मार्टफोन में आप रोम को एक्सपैंड भी कर सकते हैं 512 GB तक। उसके बाद फाइनली बात करें कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, तो अगर आपको इस प्राइस रेंज में कोई सा एक बेस्ट 4GB रैम के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप जा सकते हैं iCal Z1 के साथ। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए तो आपको जाना चाहिए नोकिया के नोकिया C01 प्लस के साथ या फिर M01 कोर वाले एडिशन के साथ। दोनों ही अच्छे स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज में। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट इतना है तो आपको इसे एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन ले जहां पे अच्छे स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। और सेकंड हैंड वाला स्मार्टफोन आपको इजीली OLX और रिफर्बिश वाला ऑप्शन रहता है ना टू गुड फ्लिपकार्ट का, वहां पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।